फजल करीम साहब, आपने ये प्लॉट किससे खरीदा था? अब इसका दावा चौधरी अख्तर साहब भी कह रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारी विरासती जमीन थी, तो इसका ये इस मसले का हल जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि वो बट तो बड़ा आसान है कि रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कि इस वो जो डॉक्यूमेंट है उस पर किस कौन सा खासा नंबर लिखा और जमीन का कौन सा बनता है, तो आपने ये किससे खरीदा था? चौधरी अख्तर जो है वो अपना डिफरेंट मुख्तलिफ मौकफ देते हैं। मैंने अर्शद से, डॉक्टर अर्शद से खरीदा था प्लाट, डॉक्टर अर्शद से। ठीक है, तो जिस वक्त हमने खरीदा था उसी टाइम उन्होंने हमको कब्जा दे दिया था, हमने उस पर वो बुनियादें बना दी थी। तो फिर 2009 में, तो उसके बाद वो हमारे एक रिलेटिव था, उसने वो उसको ईंटें चाहिए थी, वो मुझसे मुझसे पूछ ईंटें मैं ले लूँ क्यों, वो पड़े थे ईंटें कोई उठा रहा था, तो उसने वो ईंटें खाड़ ली। तो कुछ बुनियादें जो नीचे हमारी बुनियादें पुरानी नीचे हैं वो, या आपने बुनियादें कब बनाई थी? हमने 2009 में बनाई थी, कब्जा उसी टाइम दे दिया था ना अर्शद साहब ने मुझे हमें, तो जो ही हमने वो इनका इंतकाल हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद हमने वो बुनियादें बनाई, फिर वो कुछ अर्सा पहले वो मेरा एक रिलेटिव था, उसने बोला मुझे यार इंटू की जरूरत है, तो ये आपके ईंटे लोग खा रहे हैं, बुनियादे खाड़ रहे हैं, तो मैं ले लूँ। मैंने कहा चलो ये ले लो, उसने वो बुनियादे ईंटे उखाड़ ली। तो अभी जो देखो ना 10 साल हो गए ना, 9-10 साल, 10 साल के बाद अख्तर साहब को याद आया भाई ये प्लाट मेरा है,